Good morning students, welcome to our JD Mother online class. Today I am going to explain this or that. In this activity, you will watch where should you use this and where you should use that. Okay? And what is the meaning of this and that? What is the importance of this and that? आप इस एक्टिविटी में आपको समझाने की कोशिश करूंगी जो कहाँ पे दिस का यूज करते हैं और कहाँ पे दैट का और क्या इसका यूज है, कैसे इसको यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है. ओके, यू वॉच केयरफुली. सी हियर, हियर आर सम लेटर्स एंड पिक्चर आल्सो. आपको इस लेटर्स और पिक्चर्स की मदद से मैं आपको दिस और दैट का कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ. ओके, सी टी एच आई और एस, ये क्या बना? दिस. वी यूज दिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर. मतलब दिस का यूज हम वैसे उस समय करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट यानी थिंग्स कुछ भी, जैसे कुछ भी आपके पास नजदीक में होगा तो उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे. ओके, टी एच आई एस, दिस. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस? दिस मीन्स या. इसी तरह से अब हम दैट को देखते हैं. टी एच टी टी दैट. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दैट? दैट मीन्स व. वी यूज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार. जब कोई ऑब्जेक्ट या थिंग्स जब दूरी पे होता है तब उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं. ओके, इसका यूज हम अभी सेंटेंस के थ्रू समझेंगे. मैं आपको एक दो सेंटेंस बना के दिखाती हूँ, उसमें आप इसको समझिएगा दिस और दैट का यूज कहाँ पे और कैसे करते हैं. नाउ स्टूडेंट से विच पिक्चर इज दिस? दिस इज लॉयन पिक्चर. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ लॉयन? लॉयन मीन्स सेल. ओके, ये जंगल का राजा होता है, आपको पता होगा. और यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे हमारा ये लॉयन खत्म होता है, इससे इसकी डिस्टेंस यानी कि ये ज़्यादा है या कम है, आप इसको ध्यान से देखिए. अगर ये इतने जहाँ मैंने ये वर्ड कंप्लीट किया है उसके नज़दीक है या दूर है? नज़दीक में है. अगर ये चीज़ यहाँ होता तो इसको हम दूर बोलते. इसी तरह आपके पास अगर कोई चीज़ नज़दीक में होगी तो उसके लिए हमने बताया क्या यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं. सो दिस इज अ लॉयन. ओके, क्योंकि ये सेंटेंस के नज़दीक में लॉयन है इसलिए यहाँ पे हम दिस का यूज करेंगे. और एक चीज और याद रखिएगा, हम दिस का यूज सिंगल थिंग्स के लिए करते हैं. अगर ये लॉयन यहाँ पे एक की जगह पे दो होता तो हम यहाँ पे दिस का यूज नहीं करते. दिस इज अ लॉयन. व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इसका मतलब है यह एक शेर है. अंडरस्टूड? इसका क्या मतलब हुआ? यह एक शेर है. और यहीं पे जब ये लॉयन यहाँ से डिस्टेंस पे चला जाएगा, दूरी पे, थोड़ा देर के लिए देखते हैं हम उसको. यहाँ से इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे हम दिस का यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दूरी पे है इसलिए हम यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे. क्योंकि मैंने बताया है दैट का यूज़ फार थिंग्स के लिए करते हैं, फार ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं. ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो इस सेंटेंस से काफ़ी दूरी पे है. अगर आपसे कोई चीज़ दूरी हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ कीजिएगा? दैट. देखिए, दैट इज अ लॉयन. इट मीन्स कि इसका सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वह एक लॉयन है. किसी चीज़ को हम पॉइंट आउट करने के लिए दैट का यूज़ करते हैं. ओके, देखिए काफ़ी दूरी पे है. नाउ वॉच मोर वन सेंटेंस. ओके, आप यहाँ देखिए, ये कैप नज़दीक में या दूरी पे है? नज़दीक में है. और ये सिंगल है. अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो हम दिस और दैट का यूज़ करते ही नहीं. दिस और दैट का यूज़ सिंगल चीज़ों के लिए करते हैं. तो यहाँ पे हम ये नज़दीक में, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दिस इज अ कैप. इट मीन्स यह एक कैप है. और आपको सेंटेंस जब हम पढ़ाए थे आपको बताया गया था कि फर्स्ट लेटर सेंटेंस का कैपिटल होता है और जब सेंटेंस एंड होता है तो वहाँ पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. ओके,
दिस इज अ कैप, यह एक कैप है। अगर इस कैप का डिस्टेंस इतने से ये फार्ज हो जाता है हमसे, कोई चीज़ दूर हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, जब अगर कोई चीज़ आपसे दूर है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे? नहीं, हम यहाँ पे वी यूज़ हेयर दैट, बिकॉज दिस इज नॉट नियर, वी यूज़ दैट फॉर फार ऑब्जेक्ट एंड वी यूज़ दिस फॉर, वी यूज़ दिस फॉर नियर ऑब्जेक्ट। अब ये हमसे फार है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज अ कैब, ओके, दैट इज अ कैब, इसका मतलब है यह एक, नहीं यह हुआ या वह होगा, आपको बताया गया है दैट के लिए वह का यूज करते हैं, इसका मतलब वह एक टोपी है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस एंड दैट, दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, इसका यूज हम सेंटेंस में करते हैं और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अब मुझे बताइए नियर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस और दैट, नियर ऑब्जेक्ट के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे और फार ऑब्जेक्ट के लिए अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करके बताना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर दैट वी यूज़ दैट ओनली, ओके, अंडरस्टूड? वी यूज़ दिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर एंड वी यूज़ दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार। आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू।